हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ ऐसा कुंड जिस कुंड की आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया। यह कुंडेश्वर महादेव के पास स्थित कुंड जो आज तक कभी खाली नहीं हुआ, ना इसकी कोई गहराई नाप पाया। कितना गहरा है सब ने कोशिश कर ली, डिस्कवरी चैनल ने भी हार मान ली इसकी गहराई नापने के लिए। कई सारे गोताखोर आए इसमें गोता खाने के लिए, पर आज तक कोई भी इसकी गहराई नहीं नापा। यह कुंडेश्वर महादेव के पास स्थित कुंड भाई मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको बैक साइड। इसके बैक साइड पे जंगल ही जंगल। अब ये फुल भरा हुआ है, इसमें पानी एक नदी से आता है जिसका नाम है जमुना। ये इसके आगे की साइड मंदिर है बहुत बड़ा जिसको कुंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और एक कुंड भी बहुत साल गहरा, 5-6 हज़ार साल पुराना कुंड है कम से। ये वीर सिंह द्वारा निर्मित किया गया, महाराजा वीर सिंह जो बुंदेलखंड के राजा। यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं लुप्त उठाने के लिए। ये एक ऐसा कुंड है जो आज तक खाली नहीं हुआ, ऐसे ही एक कुंड भीम कुंड भी है। अभी ये फूल भरा हुआ है, जहाँ यहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक ये आपको कुंड नज़र आएगा। और इसके बैक साइड में पूरा जंगल ही जंगल है जहाँ पर भालू हिरण बाघ सभी तरह के जानवर पाए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। ये कश्ती रखी हुई है, यहाँ पर बंदर बहुत पाए जाते हैं, संभल के रहिएगा उनके सामने। अगर आपने मिठाई दिखाई तो ये मिठाई पे झपट सक कभी भी। कुंड के ठीक सामने भंडारा होता है, यहाँ पे हर सोमवार को भंडारा किया जाता है। ये देखो बंदर माला पहनते हुए।